तो जैसे कि काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और लोगों को उमस से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन कुछ देर पहले जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी है, एक बार फिर से मौसम सुहावना हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बताते चले कि जिस तरह से बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो लगातार अब बारिशें आगे भी हमें देखने को मिलेंगी और मौसम सुहावना ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश से कई इलाकों में आफत भी आ जाती है। ये जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, ये तस्वीरें हैं सांबा के सुंब ब्लॉक की। यहां पर बारिश की वजह से एक बार फिर से जलभराव काफी ज्यादा हुआ है और सुंब ब्लॉक की जो मार्केट है वो पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई है। जिस तरह से काफी ज्यादा बारिश का पानी वहां पर रुका और दुकानदारों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी और कहीं ना कहीं दुकानदार काफी ज्यादा सफर करते हुए हमें दिखे इस बारिश की वजह से। और कहीं ना कहीं यहां पर पानी इकट्ठा होने का कारण एक ही है, जलभराव का कारण एक ही है कि यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने के कारण जब भी बारिश आती है तो बारिश का पानी जो है वो नालों से होता हुआ दुकानों के अंदर तक चला जाता है और कई तो यहां पर ऐसे घर भी हैं जिनके घरों में पानी घुस जाता है और नाले भी कहां यहां काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपरी इलाकों की बात करते हैं, सांबा जिला के जो पहाड़ी इलाकों से टच करते हैं जिसमें सुंब ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, नड इलाके की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह से हमने कुछ तस्वीरें कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी कि यहां पर बारिश से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये तस्वीरें सुंब ब्लॉक की आपको दिखाई कि बारिश आने के बाद यहां पर जलभराव हुआ और दुकानदारों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। हमारी प्रशासन से अपील रहेगी कि हर बार जब बारिश आती है तो सुंब इलाके के लोग, सुंब ब्लॉक की जो मार्केट है वहां के जो दुकानदार है वो काफी ज्यादा सफर करते हैं, तो कृपया ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए ताकि बारिश का पानी वहां ना रुके और लोगों को आने जाने में भी कोई दिक्कतें पेश ना आए। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखें तो ये बारिश जो है वो काफी ज्यादा लोगों को राहत भी पहुंचाती है। जिस तरह से काफी गर्मी पड़ रही है और उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, उमस काफी ज्यादा है और लोग जो है वो काफी परेशानी झेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मौसम जो है वो सुहावना हुआ है। जिस तरह से अब ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी बूंदाबांदी इस समय लगातार जारी है और कुछ देर पहले ही जिला सांबा में भी बारिश ने जिस तरह से दस्तक दी है तो काफी राहत जो है वो लोगों को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बारिश का नुकसान भी हमें देखने को मिलता है, यहां तमाम लोगों को बारिश की वजह से काफी दिक्कतें पेश आती हैं। कई इलाकों का जो सड़क संपर्क है वो टूट जाता है और सुंब इलाके की तस्वीरें पहले भी हम आपको लगातार बताते रहते हैं, यहां पर बारिश से काफी ज्यादा लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, इसको लेकर प्रशासन को ध्यान देना होगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सांबा के सुंब ब्लॉक में, यहां आज बारिश की वजह से एक बार फिर से लोगों को काफी ज्यादा मुशक्कतें करनी पड़े, लेकिन ओवरऑल मौसम काफी सुहावना हो चुका है। तो आप भी इस मौसम का मजा लीजिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।